वेलकम टू हेल्दी हो। मैं डॉक्टर राहुल वर्मा, मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में गैस्ट्रिक इश्यूज़ को लेकर। पिछले कुछ महीने से हम बहुत बच्चों में देख रहे हैं गैस्ट्रिक सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं बच्चे, कि सडनली एक स्टमक फ्लू टाइप का है या क्या है, कि सबको वॉमिटिंग हो रहा है, स्टमक में पेन हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं साथ में, या कईयों को नहीं भी हो रहे, बट वॉमिटिंग एंड स्टमक पेन एक सिग्निफिकेंट इशू बना हुआ है पिछले 2 से 3 महीने में, जो हम सब लोग अपने OPDs में और हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं। तो उसके 2-3 कारण रहते हैं, क्योंकि एक तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो हाइड्रेशन लेवल कम रहता है तो भी ऐसा हो जाता है, स्ट्रीट फूड हम ज़्यादा खा रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, और मिल्क बेस्ड चीज़ें जो हैं जो शायद ठीक से नहीं बनी हुई, तो कंटामिनेटेड फूड कैन बी अनदर फैक्टर। तो इसमें हमें मेन चीज़ जो देखनी है कि हाइड्रेशन हमारे बच्चे का अच्छा रहे, एक्सेस ऑफ ऑयल और स्पाइसी वाली चीज़ें अवॉइड करेंगे, ORS, नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी, छाछ, इस टाइप की चीज़ें बच्चे को देते रहें कि शरीर के अंदर पानी और नमक की कमी ना हो। और मेन हमेशा 2 या 3 डेंजर साइंस पर हमेशा ध्यान रखना है कि कब आप घर पर रख सकते हो या कब हमें हॉस्पिटल रश करना है। तो कभी भी आपको लगे बच्चा एक घूंट पानी भी पीने को तैयार नहीं है, दिन में 2 से 3 बार भी यूरिन नहीं किया है, या ऑब्वियस कहीं से ब्लड आ रहा है, या बच्चा बहुत ज़्यादा ड्राउजी हो रहा है, या बिल्कुल बेहोश सा हो रहा है, या सुस्त हो रहा है, देन वी शुड इमीडिएटली टेक द चाइल्ड टू नियर बाई हॉस्पिटल, ताकि उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको मिल सके। इस दौरान यही है कि बहुत हैवी मील्स ना लें, शॉर्ट और फ्रीक्वेंट मील्स विल बी बेटर, और जिसमें फल फ्रूट्स और ओट्स दलिया टाइप की चीज़ें ज़्यादा हों और हाइड्रेशन ठीक रहे, और बहुत हैवी स्पाइसी ऑयली चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें, और कभी भी लगे कि ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं तो बेटर है कि हम डॉक्टर से मिल लें।